त्रजटा राक्षसी दिखाई है। अभी सीता कहाँ पल रही है? रावण की कैद में पल रही है या कहीं दूसरी जगह है? रावण की कैद में पल रही है। जहां भी पल रही है तो वहां कोई त्रिजटा राक्षसी भी होगी। क्या सूर्यवंशी कुल की नहीं है? कौन से कुल की है? राक्षसी कुल की है। चंद्रवंश को भी राक्षसी कुल नहीं कहेंगे। राक्षसी कुल पैदा ही होते हैं द्वापर युग से, लेकिन राक्षसी कुल की होते हुए भी रामचरण रति निपुण बेशेखा, राम के चरणों में उसका विशेष प्यार होता है, इसलिए सीता की सुरक्षा करती है। और एक जगह दिखाया है, मतलब एक कमल का फूल है, कमल का फूल के ऊपर एक नारायण लेटा हुआ है, उसके उसके ऊपर फिर लक्ष्मी ने मतलब ऐसे बचा के ऐसे लेटा हुआ है, है? जो ना कमल फूल के ऊपर नारायण है ना, तो उसके ऊपर फिर इनको बचाते हुए मतलब लक्ष्मी है ऐसे लेटी हुई, तो उसके ऊपर महाकाली उनके ऊपर पाव रख करके खड़ी है और अपने सिर अपने हाथ में ले लिया हुआ है। कहीं कलकत्ते से तो नहीं चित्र उठा लाए? वहाँ महाकाली की पूजा ज्यादा करते हैं। फरकाबाद से लाए? अच्छा, तो फरकाबाद में कोई कलकत्ते वाला पहुंच गया होगा महाकाली की पुजारी। नारायण का अंगरक्षक लक्ष्मी कर रखा है, है? नारायण का अंगरक्षक लक्ष्मी डाक रखा है, बता दिया ना। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, किसी की 63 जन्म की लगाव गणेश में रहता है, कोई का महाकाली में रहता है, कोई का हनुमान में रहता है, कोई का सुब्रमण्यम स्वामी में रहता है, कार्तिकेय में। तो जो जिसका पुजारी है वो उसी की महिमा आगे करेगा और दूसरों को नीचा दिखाएगा या कुछ और करेगा? जो विष्णु के पुजारी हैं, उन्होंने विष्णु को भगवान के रूप में दिखा दिया विष्णु पुराण में, शंकर को और ब्रह्मा को नीचे दिखा दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्म समाधि है, उन्होंने विष्णु को नीचे दिखाई दिया, शंकर जी को नीचे दिखाई दिया। जो शिव के पुजारी हैं, उन्होंने शिव को भगवान के रूप में दिखा दिया। तो क्या बड़ी बात है, ऐसे ही चित्र बनते रहते हैं। पहले चित्र बने या पहले शास्त्र बने? पहले चित्र बनते हैं, फिर मनन चिंतन मंथन चलता है उन पर। जैसे कोई चित्र देख लिया, क्या चित्र दिखाया? चित्र है, खास हमारे पास है। अब इसका मनन चिंतन मंथन चलेगा, जिसका पार्ट होगा मनन चिंतन मंथन चलने का माया के बनाए हुए चित्रों पर, वो जरूर मनन चिंतन मंथन करेगा, चित्र भी अपने पास रखेगा। दादा, रामचंद्र ने बिलिनी को जूते पैर खाए और लक्ष्मण ने नहीं खाए फेंक दिए, इसका बेहद अर्थ क्या है? और लक्ष्मण जी वैष्णव संप्रदाय होंगे, जो विष्णु जी के उपासक होते हैं वो बहुत पवित्र रखते हैं अपने को, और जो शिव के उपासक होते हैं वो इतनी पवित्रता का पालन नहीं करते कि भाई कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन हम उसका झूठा नहीं खाएंगे।
भगवान के लिए प्रेम सबसे बड़ी बात है, प्रेम के भूखे हैं भगवान, या प्रेम के अलावा किसी दूसरे भाव के भूखे हैं? तो राम तो भगवान के रूप में दिखाया है, इसलिए प्रेम की भूख दिखाई है उनको। लक्ष्मण कोई भगवान थोड़े ही है, भगवान ज्यादा प्रेम का सागर होता है या मनुष्य आत्मा प्यार की सागर होती है? भगवान प्यार का सागर होता है, इसलिए भीरनी के झूठे बेर भी खा लिए। झूठा किसे कहते हैं और सुच्चा किसे कहते हैं? अरे मुंह में लगा ले या किसी इंद्रिय में लगा लो, सिर्फ मुंह की बात थोड़ी ही है, दूसरे इंद्रिय में कोई में लगा लिया फिर झूठा हो गया कि नहीं? तो उसे कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, शूद्राणी। इसलिए भीलनी को शूद्राणी के रूप में दिखाया है, लेकिन भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? उसे ये थोड़े ही देखना है कि ये शूद्राणी है, ये ब्राह्मणी है, ये पतित है, ये पावन है। भगवान तो सबको पावन बनाने आता है। तो भीलनी के भी झूठे बेर स्वीकार कर लिए, कोई के पास व्यभिचारी तन है। आज का समाज तो बहुत पतित है ना, पतित समाज में छोटे छोटे बच्चों को ही गंदा कर देते हैं, बच्चियों को गंदा कर देते हैं। तो जो गंदी हो गई वो शूद्राणी नहीं हो गई, फिर भगवान को अर्पण हुई तो व्यभिचारिणी अर्पण हुई या व्यभिचारी कन्या अर्पण हुई? व्यभिचारी होकर अर्पण हुई। अब चाहे माता हो चाहे कन्या हो, ये भीरनी की झूठे बेर हो गए, लेकिन प्यार देखा जाता है भगवान के दिल के अंदर, प्यार की बात है या दूसरा भाव है? प्यार देखा जाता है, सच्चा प्यार किसका है? जो भी है जैसा भी है, अर्पण करने का भाव क्या है? हमारे पास जो भी है तकपन है, तो जो भी तकपन है अर्पण कर दिया। किसी के पास करोड़ है, वो उसने अर्पण नहीं किया। किसी के पास एक ही कमरा है, उसमें गीता पाठशाला बना दी, उसी में सोता है, उसी में खाना खाता है परिवार के सहित, उसी में क्लास लगाता है, तो वो छोटा घर भगवान के लिए बड़ा घर है या छोटा घर? बड़ा घर हो गया। कोई के पास ढेर के ढेर मेहलवानियां हटा रही है, मल्टी स्टोरी के मकान बने पड़े हैं ढेर के ढेर बड़े बड़े शहरों में, भगवान के हाथ कुछ भी नहीं आता है, तो भगवान भी क्या समझेगा? यही तो समझेगा, आठ गांव का चौधरी, बीस गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसे में जाओ नरक में। बाबा लक्ष्मण फिर वो बैर फेंक दिया, फिर जब शक्ति बांध लगा लक्ष्मण को तो वही बैर, वही बैर संजीवनी बूटी बना। और किसी के पास कुछ भी है अगर भाव से अर्पण करता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई गरीब है और गरीब के पास कुछ है ही नहीं देने को ज्यादा, लेकिन कोई पंडित जी है
दान दक्षिणा लेने वाले, और गरीब ने उनको एक चवन्नी दे दी, एक पैसा दे दिया, पंडित जी हमारे पास ये दक्षिणा है, टैक्सी चले गए। तो पाप बन गया या पुण्य बन गया? तो लक्ष्मण जी को उसका प्रतिफल मिल गया कि देखो जो चीज तुमने फेंक दी थी वो देखो तुम्हारे काम आई, तुम्हारी जिंदगी सुधर गई, नहीं तो बच्चू वैसे ही मर जाते, मुर्दा हो जाते। आजकल 5 रुपया भी कोई नहीं लेता। आजकल की बात छोड़ो, गिलने की बेर की बात हो रही है बाबा। बेसिक वाले जो एक ही डेट में भारत में मेगा प्रोग्राम निकाला है, मेगा प्रोग्राम का किसने? बेसिक वाले एक ही डेट में भारत डेट में मेगा प्रोग्राम करेंगे सारे भारत में, ये सारी दुनिया में, सारे भारत में करेंगे। क्या करेंगे ये मेगा प्रोग्राम में? अब क्या सब करेंगे तो वही तो बाबा, हमने वो मीडिया वालों को, अखबार वालों को, टीवी वालों को, चैनल वालों को नोटों की गड्डियां दे करके ग्लानी करेंगे, क्या करेंगे उस मेगा प्रोग्राम में एक ही डेट में 14 तारीख को सर ऑल इंडिया में करेंगे। ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया में जो भी एडवांस गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर्स हैं, मिनी मधुबन है, उनके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं? उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो ग्लानी के प्रोग्राम होते हैं या ईश्वर का ज्ञान देने के प्रोग्राम होते हैं? सारे ग्लानी के प्रोग्राम, जो कुछ करते हैं उन्हें करने दो, जो करेंगे सो तो भरेंगे, तो अपना पुरुषार्थ। हाँ, ये तीन लोग के चित्र में सबसे ऊपर शंकर को दिखाया है, और फिर ये त्रिमूर्ति के चित्र में संपन्न रूप में सबसे ऊंचे श्रेष्ठ विष्णु को दिखाया है। त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु को मतलब ऊंचा श्रेष्ठ दिखाया ना खड़े हुए, और तीन लोग के चित्र में शंकर को ऊंचा दिखाया सबसे ऊंचा। तीन लोग के चित्र में शंकर को परम धाम करने वाले ऊंचा श्रेष्ठ दिखाया ना। तीन लोग के चित्र में शंकर को ऊंचा दिखाया, शंकरपुरी दिखाया। अच्छा, तीन पुरियों में, तीन पुरियों में ये बता रहा है। हाँ, हाँ। फिर त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़े हुए दिखाए तो क्या हुआ? उचित पुरुषार्थ, वही खड़े हुए का मतलब है वो पवित्रता के पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है। कौन? विष्णु। और ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी खड़े थक जाते हैं, हाँ उसे नहीं होगा इतना पुरुषार्थ, थोड़ा थोड़ा आराम कर ले दो, तो बैठ जाते। तो उनको बैठा हुआ दिखाया गया है, भले बैठा हुआ दिखाया गया है लेकिन क्या हिम्मत हार गए क्या? नहीं हार गए, क्यों? ब्रह्मा जी हिम्मत नहीं हार गए, हार फेल नहीं हुआ। ब्रह्मा जी हार गए बाबा, ब्रह्मा जी हार गए, और शंकर जी एकदम करण हो गए, हिम्मत नहीं हार गए। हिम्मत है बच्चे मदद के बाप, तो मदद है बाप, बाकी ऊंचे होने की बात नहीं है। ऊंचा तो बोला हुआ है शास्त्रों में भी, बोला है मुरली में भी बोला है, बोला है त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखाते हैं शास्त्रों में भक्ति मार्ग में, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा है थोड़ी, कहते भी है देव देव महादेव, तो त्रिमूर्ति में बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ, तो बड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु या शंकर? शंकर बड़ा हुआ, तो जो बड़ा है वो ऊंचा होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? बाकी खड़े खड़े तो थक जाएंगे, सदैव खड़े होने में फायदा है या बैठे रह के पुरुषार्थ करने में फायदा है? है जो तपस्वी लोग होते हैं, तपस्या करने वाले, देह की तपस्या करने वाले, वो कैसे तपस्या करते हैं? एक नहीं, एक टांग पर खड़े होके वो तपस्या करते हैं, वो सन्यासियों का पुरुषार्थ है ना। तो वैष्णो देवी जी महाराज अभी सन्यासियों के बीच में तपस्या कर रहे हैं या गृहस्थियों के बीच में तपस्या कर रहे हैं? सन्यासियों, तो खड़े ही खड़े करना पड़ेगी ना,
तो खड़े खड़े कर रहे हैं। शंकर जी बैठे आराम से बैठ के करो जो कुछ करना, बाबा को याद करना है। बाबा तो कहते मैं कोई तकलीफ थोड़े ही देता हूँ, मुझे याद करो बाबा। ये विष्णु में फिर एक है विष्णु देवी, एक है विष्णु देवता है ना, है? एक विष्णु देवता के रूप में, एक विष्णु देवी के रूप में है ना। एक एक अलग अलग तुम क्यों करते हो, सन्यासी हो क्या? है? अरे विष्णु में इकट्ठे हैं या एक एक हैं, अलग अलग इकट्ठे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ, तुम अपनी पवित्रता की पावर हमें दे दो, हमारी तुम ज्ञान की पावर तुम ले लो, योग की पावर है, एग्रीमेंट किया हुआ, आधा साझा कर लो, 84 जने में बांट ले लो। तो विष्णु देवता के रूप में तो राम वाली आत्मा ही है ना। विष्णु देवता में और दूसरी आत्मा नहीं है, तो पांच हो और दो सीता के दिखाई गया था, है? दो सीता दिखाई गया था, एक सीता एक सीता अग्नि में प्रवेश कराई थी और एक सीता को रावण ले गया। जब राम जंगल में गए, कांटों के जंगल में, तो वहां पंचवटी में पांच पांडवों की बटी थी, उस पंचवटी में क्या किया उन्होंने? सीता से कहा तुम पावक में करो निवास, तुम योगाग्नि में निवास कर जाओ। असली सीता से कहा या नकली से कहा? असली से कहा, चैतन्य वाली से, जिसकी बुद्धि थोड़ी चैतन्य थी, उसे कहा तुम अग्नि में निवास करो, योग अग्नि में। तो वो संक्षत्र में योग अग्नि में निवास कर गई और उसकी जगह एक दूसरी सीता बनाई मेटल की, जड़ धातु की, वो रख दी। तो जड़त्व में ही सीता को रावण उठाई के ले गया। अब जड़त्व में ही जड़ बुद्धि वाली सीता भगवान को पूरा पहचानेगी या चैतन्य सीता पूरा भगवान को पहचानेगी? चैतन्य ने पूरा पहचाना तो बुद्धि में धारण करके रखा, मन मना भव हो करके रही, और जड़त्व वाली है उसको भगवान तो मिला तो, लेकिन मिलने के बाद भी पूरा वफादारी से उसको निभाए नहीं सकी, इसलिए जड़त्व में सीता दिखाई गई। उसको तुलसी के रूप में भी दिखाया है, लेकिन अंतर क्या है? जो तुलसी के रूप में सीता दिखाई गई है, वो सीता अपने को भगवान के प्रति शरीर के सहित पहले अर्पण कर देती है। और जो दूसरी सीता है वो पहले अर्पण नहीं कर पाती, वो बाद में अर्पण होती है। इसलिए एक है भारत माता और एक है जगत माता। बाबा 1008 रुद्र को अर्थ क्या है? 1008 रुद्र, 1008 रुद्र माला के अर्थ क्या है? 1008 नहीं, 108। हाँ, इसके अर्थ क्या है? 1108, 108 रुद्र माला का अर्थ क्या है? माने 108 आत्माएं हैं जो रुद्र के बच्चे हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, सौम्य रूप धारण नहीं करते हैं, रौद्र रूप धारण करके तपस्या भी करते हैं, निराकारी स्टेज में टिकते हैं,
वो निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे जो हैं वो 108 हैं, जो बीज हैं सारी सृष्टि के, सारी सृष्टि में जो मुख्य मुख्य मठ पंथ हैं, धर्म हैं, उन सात धर्मों के बीज हैं। वो बीज बाप के बच्चे हैं, डायरेक्ट बाप के बच्चे, उनको रुद्र कहा गया है, रुद्राक्ष की माला, उसमें मुख होते हैं माला के मणकों में, एक मुख का मणका एक ही होता है और बाकी कोई को दो मुख, कोई को चार, कोई को आठ, कोई को ज्यादा। तो जो ज्यादा मुख वाले बच्चे हैं उनमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं और वो दूसरे धर्म के बीज बन जाते हैं। जो एक मुख का मणका है उसमें एक शिव बाबा बाप दादा ही प्रवेश करते हैं, इसलिए और धर्म में नहीं जाता, अपने धर्म का पक्का रहता है। ये है रुद्रमाला के 108 मणकों का रहस्य। ओम शांति। Thank you.